दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अपने देश में चुनाव आने पर कुछ हो या ना हो, एक चीज तो हो जाती है, सरकारें एक्सपोज हो जाती हैं। और एक आम कोई और नहीं, अपने लिए खुद सरकारें करती हैं। ये हैं शिवराज सिंह चौहान। पिछले 15 साल से ज्यादा ये मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री माने प्रदेश का मुखिया, एक ऐसी सरकार का मुखिया जो ना मिलीजुली थी, ना जलताऊ वाली थी, बिल्कुल प्रचंड बहुमत की सरकार का मुखिया। दिल्ली की गद्दी में तो मोदी जी पिछले 8 साल से काबिज हैं, तो इनके 15 सालों में आप पिछले 8 साल डबल इंजन की सरकार के जोड़ दीजिए। लेकिन अब इस साल एमपी की बीजेपी सरकार चुनाव में जा रही है, तो बजट पेश करते हुए वो अपने लोगों से ऐसे ऐसे वादे कर रही है जैसे वो सत्ता में नहीं विपक्ष में हो। इन वादों को सुनकर वाकई में आपको लगेगा कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी इतनी बुरी तरह घबराई हुई है। दोस्तों, एमपी की सरकार ने बजट में बेरोजगारों को 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। यानी सरकार ये जानती है, सरकार को ये पता है कि 1,00,000 सरकारी पद या तो खाली पड़े हैं या उन्हें भरा जा सकता है। यानी 1,00,000 सरकारी पद भरे जा सकते हैं, उनमें नौकरियां हैं, तभी तो सरकार वादा कर रही है। तो फिर इसके लिए बजट का या चुनाव का इंतजार क्यों किया जा रहा है भाई? ये काम आखिर पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया गया? 1,00,000 सरकारी नौकरियां तो बहुत बड़ी संख्या है भाई। अगर ये पद वक्त रहते भर दिए जाते तो नौजवानों को रोजगार मिलता अलग, सरकार का काम आसान होता अलग। क्या रोजगार सरकार की प्रायोरिटी या प्राथमिकता है ही नहीं? और सुनिए, शिवराज सरकार नौकरी के लिए 200 बच्चों को जापान भेजने वाली है। बताइए, यहाँ हमारे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देख रहे हैं और शिवराज जी अपने मेधावी युवाओं को जापान भेज रहे हैं। जापान में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है शिवराज जी, राज्य में ही रखिए। जापान में ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए। इसके बाद जो वादे किए गए वो तो मानो मोदी जी की मुफ्त रेवड़ी वाली बात को मुंह चढ़ाने जैसे है। एमपी सरकार ने चुनावी साल में वादा किया है कि वो 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी देगी। दोस्तों, छात्राओं को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना गलत नहीं है, लेकिन यही काम जब यूपी में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांट के किया था तो बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची कहा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट भी सरकार ने रखा है। बताइए, एमपी के बुजुर्गों को एमपी के ही तीर्थ कराने के लिए हवाई सफर, मतलब क्या एमपी इतना बड़ा है भौगोलिक रूप से कि राज्य के अंदर भी सफर करवाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ जाए? वो तो ट्रेन से या बस से आसानी से किया जा सकता है, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, जबकि इस 50 करोड़ से एमपी के 10 अलग अलग जिलों में 10 वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले जा सकते हैं। दोस्तों, एमपी का ये बजट पूरी तरह से चुनावी इसीलिए भी रखा गया है क्योंकि हाल के दिनों में मैंने भी आपको कई वीडियोस में दिखाया था शिवराज सरकार की जो प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही थी, उसे लेकर राज्य भर के अलग अलग हिस्सों से कहीं विधायकों को भगाया जा रहा था, कहीं मंत्रियों को आम जनता द्वारा चुप कराया जा रहा था, तो विरोध की कई तस्वीरें आ रही थी। बीजेपी की ये डबल इंजन सरकार अपनी सत्ता में वापसी को लेकर क्या इतनी डरी हुई है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए इस तरह के लोक लुभावन वादे उसे करने पड़ रहे हैं? क्योंकि जो सरकार पिछले 15 सालों से किसी राज्य में सत्ता में काबिज है, उसे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने काम पर कि उसका काम ही उसका सबसे बड़ा वादा बन जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।